नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग जो है कृष्णा ज्वेलर्स, श्री कृष्णा ज्वेलर्स मुंबई से जो आए हुए हैं एस जे एस ज्वेलरी शो में, तो सर आपका स्वागत करती हूँ। आपका नाम क्या है सर? डबल साचा, डबल साचा जी। सर आज आपने यहाँ पे एस बी सी ज्वेलरीज क्या एक्सिबिट की है वो हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे श्री कृष्णा ज्वेलर्स जो है वो एक तो है अल्ट्रा लाइट वेट, जो मतलब पब्लिक को या कस्टमर को एकदम लो कॉस्ट और जो प्राइस रेंज में भी उनके पॉकेट कंफर्टेबल है, और प्लस यहाँ पे मार्केट जो है सूरत का मार्केट एक बड़ा ही काफ़ी बड़ा मार्केट है, और हमें रिकेन बाई एस जे एस उसके प्लेटफॉर्म द्वारा हमें एक बड़ा ही चांस मिला है कि सूरत के अंदर हमें एक बड़ा ही कस्टमर या कस्टमर को कवर करने के लिए बड़ा पूरे कस्टमर के एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि रीसेल या रिटेल कर सकते हैं। और हमारे पास ऐसी ऐसी जो अलग आइटम्स है, या आप बोल सकते हैं कि अभी कोई भी ज्वेलर्स हो उसके पास सब हैवी और या कॉस्टली या रेंज में बहुत हैवी सब रहते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा है कि पूरा लाइट वेट में पूरा सा अलग से एक पूरा प्रोडक्ट बनाया हुआ कि कोई भी कस्टमर या कोई भी आदमी उसके पॉकेट हैंडी पॉकेट के हिसाब से बाय कर सकते हैं। वैसे भी हम देख सकते हैं कि कोई भी रेंज में आपको सर्च में ले लो या कोई भी रेंज में ले लो, कि हमारे पास जो जितने चीपर प्राइस है वो प्राइस में किसी और ज्वेलर्स के पास आप नहीं कंपेयर कर सकते, और मेकिंग में है या अदर चार्जेस में जो वो भी कंपेरेटिवली आप अदर ज्वेलर्स से कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ही कम रेट्स में अवेलेबल रहेंगे। बट हमें एस जे एस का एक बड़ा ही शुक्रिया अदा करना है कि उसके बिहाफ पे हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है कि हम हमारे कस्टमर को रिप्रेजेंट कर सकें। हमारा कुछ अलग ही स्टॉक है, तो स्टॉक के लिए हमें एस जे एस से बेटर कुछ मुझे नहीं लग रहा है। आपने पहली बार पार्टिसिपेट किया? दिस इज माई फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट ऑन एस जे एस, सो मेरा सूरत में पहली बार ही है, और एक फर्स्ट डे और सेकंड डे हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। हाँ, वही मैं आपको पूछने वाली थी अभी कि आपको रिस्पांस कैसा मिला, क्योंकि आपने पहली बार पार्टिसिपेट किया है और एस में पार्टिसिपेट किया है, आपको रिस्पांस कैसा मिला? यहाँ के एक तो कस्टमर्स है जो बहुत ही फ्रेंडली कस्टमर्स है, और उनका रिस्पॉन्स भी बहुत ही बेटर है, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरा सूरत सिटी में ऐसा ही लगता है कि हम हमारे घर में या हमारे घर में ही ऐसे पूरा एक एनवायरनमेंट कस्टमर एनवायरनमेंट या फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो मुझे दो दिन तो बहुत ही अच्छा है, और एक कल अभी शायद संडे बचा हुआ, लेकिन संडे तो मुझे लगता है कि खाने पीने की भी फुर्सत मुझे लगता है कि मिलेगी नहीं, फुली हमारा पोजीशन पूरा एकदम शेड्यूल पैक रहने वाला है। एंड थैंक, और लास्ट में थैंक्स टू एस जे एस। मैं भी कुछ कहना चाहूँगी कि अगर किसी को भी ज्वेलरी लेनी हो तो मुंबई तक आना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप सूरत में अपना ब्रांच खोलिए, मैं ऐसे शुभकामना। थैंक यू वेरी मच। ऐसे भी अभी भी हमारा ऐसा शेड्यूल रहता है कि हम लोग फर्स्ट एवरी मंथ का फर्स्ट वीक हम मुंबई से सूरत के लिए रहते हैं, क्योंकि हमारा एक डायमंड मार्केट के रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा सर्कल है, जो हम अभी मंथ ऑफ फर्स्ट वीक में उसे कन्वर्ट सूरत में आके उसे एक ऑर्डर या कस्टमाइज हम सेलिंग में ध्यान देते हैं। बाकी हम ये सोच ही रहे हैं प्लानिंग करके कि हमें और भी सूरत में हमारा कुछ आपका वेल विशेज रहे या एस जे एस का सबका वेल विशेज रहे तो हमारा और यहाँ पे कुछ अच्छा सा अपने आउटलेट या ब्रांड्स कुछ ओपन कर सकें, क्योंकि हमारे सूरत सिटी जो है उसमें सभी समा जाते हैं, और सूरत एक डायमंड सिटी बनाई जाती है, तो उसमें अगर मुंबई से कोई आके अपना ज्वेलर शॉप खोलेंगे तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो थैंक यू सो मच सर आपका।